नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मंगलायतन यूनिवर्सिटी के अपने YouTube चैनल एमयू न्यूज़ में। अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन में सही विषय चुनने में दिक्कतें आती हैं। कई बार विद्यार्थियों को दाखिला लेने के बाद उन्हें विषय समझ में नहीं आते और कुछ समय बाद कॉलेज से दाखिला वापस ले लेते हैं। ऐसे में उनका एक साल बेकार चला जाता है। आज के कार्यक्रम में हम अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में विषय के चयन में किन बातों का ध्यान देना चाहिए पर बात करेंगे। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार गौतम हैं। आप पत्रकारिता जनसंचार विभाग के मंगलायतन विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। दूसरे विशेषज्ञ मिस मनीषा उपाध्याय जी हैं। आपको शिक्षा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। वर्तमान में आप मंगलायतन विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप दोनों छात्रों के करियर से संबंधित सलाह देने में माहिर हैं। डॉक्टर गौतम और मनीषा उपाध्याय, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, आज हम अंडर ग्रेजुएट इंटरमीडिएट के बाद में जो बच्चों को सब्जेक्ट या विषय को चयन करने में जो समस्या आती है, आज हम उसके विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो सर, हमारा आपसे प्रश्न है कि काफ़ी बच्चे इंटरमीडिएट करने के बाद में जब ग्रेजुएशन लेवल पर आते हैं और अपने विषयों का चयन करते हैं तो उन्हें बहुत समस्या आती है कि वो किन विषयों का चयन करें। हाँ, ये बात सही है कि मोस्टली यूजी लेवल पे जब बच्चे आते हैं तो उनको विषय के चयन की जानकारी नहीं होती है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले बच्चे जो हैं, जो भी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो क्या करें कि अपनी रुचि को ध्यान में रखें कि उनका इंटरेस्ट क्या है और इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट का चुनने का काम करें। इसके अलावा दूसरा आता है कि सब्जेक्ट जब चुन रहे हैं तो इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी स्किल क्या है, आप पहले अपनी स्किल को जानें। अगर जो कोई बच्चा कंप्यूटर में अच्छा है, उसका इंटरेस्ट उसमें है, तो उसको कंप्यूटर के सब्जेक्ट ही चुनने चाहिए। या फिर कोई बच्चा स्पीकिंग में अच्छा है तो उसे स्पीकिंग के लिए सब्जेक्ट चुनने चाहिए, जैसे मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है या MBA है, इस तरीके के सब्जेक्ट उसको चुनने चाहिए। जब सब्जेक्ट चुनता है तो उसको और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसको बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए। उन चीज़ों को ध्यान में, जैसे कि कॉलेज की मान्यता क्या है, कहाँ से उसके एफिलिएशन है, उसको ध्यान में देना चाहिए। साथ में उस कॉलेज में टीचर किस तरीके के हैं और कॉलेज की रैंकिंग क्या है, वो भी ध्यान में देनी चाहिए। जी, यानी कि बच्चे को अपने स्किल्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना फील्ड एरिया को चूज करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मनीषा मैम, क्या इसके अलावा भी कोई और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चों को जब आप अपना करियर ध्यान में रखते हैं उसके आधार पर पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए। जी, कोर्स आप क्या लेंगे, क्योंकि पहले बात दिमाग में रहनी चाहिए करियर। तो करियर की कितनी ऊंचाई इसमें पहुंच सकती है इस कोर्स को करने के बाद, साथ ही उसमें प्लेसमेंट कैसा होता है, क्या उसका बूम चल रहा है या नहीं चल रहा है, मार्केट वैल्यू क्या है, क्या वो कोर्स हमें लंबी दूरी तक ले जा सकता है, सैलरी पैकेजेस क्या हो सकते हैं। तो आजकल हर बच्चा स्मार्ट सैलरी चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि आप करियर में लंबी दूरी बनाने के लिए भविष्य में नौकरी, साथ ही अच्छा प्लेसमेंट और प्रमोशन और इन चीज़ों को ध्यान में रखें। उसके अलावा आपको ये देखना चाहिए कि जिस पाठ्यक्रम में मैं प्रवेश कर रहा हूँ वहाँ ये प्रैक्टिकल वर्क कितना होता है, उसका अनुभव दूसरे लोगों से भी आप जान सकते हैं जो पास आउट हैं उनसे। साथ ही ये भी किया जा सकता है कि जैसे वहाँ टीचर्स, उनका फैकल्टी का लेवल क्या है, क्या वहाँ एक जो है पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स काम करते हैं, एक रेपुटेशन इंस्टीट्यूशन का भी देखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि चयन, और एक और होता है कि हर कोर्स हर इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता जी। तो उसकी वजह ये है कि आप वो जब सिलेक्टेड कॉलेजेस में होता है वहाँ पे चयन करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि इन तीन चार जो इंस्टीट्यूशन हैं तो इनका रेटिंग क्या है, उस अकॉर्डिंग आप उस कॉलेज का चयन करें, उस पाठ्यक्रम का चयन करें।
जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि एक अच्छा पाठ्यक्रम कैसे चुना जा सकता है? देखिए, अगर जो एक अच्छे पाठ्यक्रम की बात करें तो एक अच्छे पाठ्यक्रम में थ्योरी और उसके साथ ही प्रैक्टिकल भी जरूर होना चाहिए। तो स्टूडेंट जब सब्जेक्ट का चयन करता है तो वो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखे कि थ्योरी उसमें कितनी है, प्रैक्टिकल कितना है। अब थ्योरी क्या होता है कि थ्योरी जो है बच्चे को सब्जेक्ट का नॉलेज देती है और प्रैक्टिकल जो है बच्चे की स्किल को एनहेंस करता है। तो इन दोनों चीज़ों को बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा दूसरा है कि जो भी पाठ्यक्रम है उसमें प्रोजेक्ट कितने किए जा रहे हैं, उन प्रोजेक्ट पे ध्यान देना चाहिए और साथ में केस स्टडी जो है उन पे ध्यान देना चाहिए कि कितनी केस स्टडीज कराई जा रही हैं। साथ में इसके अलावा एक और पॉइंट है कि इंटर्नशिप बच्चों को, क्या ये कोर्स उनका इंटर्नशिप बेस्ड है कि बच्चे को इंटर्नशिप कराई जा रही कि नहीं कराई जा रही है। क्योंकि इंटर्नशिप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि जॉब या प्लेसमेंट के लिए वो बड़ी हेल्पफुल करती है बच्चे के लिए और उसका इंडस्ट्री से टाई अप पड़ता है इससे। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का दोनों उस कोर्स में होने चाहिए। मनीषा मैम, बच्चे जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अनुभव है, आपने काफ़ी बच्चों को उनके करियर में हेल्प भी की है, काफ़ी बच्चे आपके आगे पढ़ के भी गए हुए हैं, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि बच्चों को किस तरीके से अपने इंटरेस्ट फील्ड को चयन करें ताकि वो अपने इंटरेस्ट फील्ड को जो है चूज करने के बाद में अपने आप को सेटिस्फाई पा सकें। ये बहुत ज़रूरी बात है, जब आप किसी कोर्स का चयन करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्या वो कोर्स आप जो चुन रहे हैं उसमें आपकी रुचि है जी। ये अपने आप को जज करना है, एनालिसिस करें कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, उसको देखते हुए आप कोर्स का चयन करें। और दूसरी बात ये है कि आप जब चयन करते हैं किसी चीज़ का तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन चीज़ों को भी देखना चाहिए। दूसरा, रुचियों का ध्यान, हमें बहुत सारी जगह होता है कि हम अपने दोस्तों के देखा देखी भी ले लेते हैं कहीं कि नहीं मेरा फ्रेंड उसमें जा रहा मैं उसको, लेकिन आप उसमें एबिलिटी नहीं है आपकी उसमें, तो क्यों जो है। अभी हम ये इसकी बात करें पत्रकारिता की, आपका लेखन अच्छा नहीं है, आप स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लिख सकते हैं, या आप कैमरा ऑपरेट करना नहीं जानते, आपको वीडियो की समझ नहीं है, उसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है उससे थोड़ा थोड़ा तो आपको वाकिफ होना चाहिए। वो तब होगा जब आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे। जब आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे न केवल आपका करियर भी है और आपकी स्किल भी डेवलप हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ये ध्यान रखना होगा कि जब कोर्स का सिलेक्शन करें तो अपना इंटरेस्ट पहले जान लें। जी जी सर, कभी कभार ऐसा होता है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के लिए आते हैं वो अर्निंग के मोटिव से आते हैं कि उन्हें रोजगार में मदद मिलेगी, या फिर किस तरीके से वो उस सब्जेक्ट का चयन करें कि जिस तरीके से वो इंडस्ट्री फील्ड में जा सकें, जो अपनी अर्निंग कर सकें, आप इस विषय में कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए, अगर जो सब्जेक्ट का चयन करना है तो आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं जी। तो बच्चों को चाहिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कोर्सेज को ऑनलाइन कर रखा है, तो वहाँ पे जाके कोर्सेज को डाउनलोड करें और उन कोर्सेज की स्टडीज़ करें कि कोर्सेज हैं वो किस तरीके के कोर्सेज हैं, इंडस्ट्री बेस्ड हैं कि नहीं है। अगर जो इंडस्ट्री बेस्ड होंगे तभी बच्चों को जो है उनकी स्किल एनहेंस करने में वो कोर्सेज हेल्प करेंगे। इसके अलावा बच्चे को चाहिए कि एक्सपर्ट्स जो हैं, खासकर मीडिया इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स या फिर एकेडमिक्स के एक्सपर्ट्स, इनकी सलाह लेनी चाहिए। एकेडमिक का एक्सपर्ट बच्चे को सही सलाह देगा कि किस तरीके का कोर्स उसको चयन करना चाहिए, कौन सा कोर्स उसके लिए स्किल एनहेंसमेंट के लिए बेटर है, कौन सा कोर्स उसके जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको एनहेंस करने के लिए बेटर है। तो इन एकेडमिक का टीचर या एक्सपर्ट्स उसको सलाह दे सकता है अच्छी सी। तो बच्चे को चाहिए कि कोई उसकी जान पहचान का एकेडमिक्स का कोई टीचर हो, उससे जानकारी ले। इसके अलावा बच्चे को चाहिए कि अगर जो इंडस्ट्री की जानकारी लेनी है तो इंडस्ट्री की जानकारी के लिए बच्चे को
किसी इंडस्ट्री के पर्सन से मिलना चाहिए। इंडस्ट्री का पर्सन उसको सही तरीके से जानकारी देगा, क्योंकि बच्चे के पास सिलेबस है तो वो बच्चा उस सिलेबस को दिखा सकता है, तो उसे सही सलाह देगा कि ये उसके जो है, अगर जो इसके लिए एनहेंसमेंट के लिए कर रहा है, इंडस्ट्री में प्लेसमेंट चाह रहा है, तो क्या वो इस कोर्स उसके लिए पर्याप्त है। तो बच्चे को इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि सही सलाह सही व्यक्ति से लेनी चाहिए, और साथ में अपनी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की उसमें रुचि है कि नहीं है। अगर जो बच्चे का इंटरेस्ट होगा तभी वो उस कोर्स को अच्छे से कर पाएगा और अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव कर पाएगा। मैम, आप बच्चों की मेंटोर भी ऐसा हेल्प करती हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि बच्चे माता पिता के कहने के कारण विषयों का चयन करते हैं, तो आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जी। इस प्रश्न का एक यह जवाब है कि जो पेरेंट्स होते हैं, दरअसल उन्हें बचपन से ही बच्चों से बहुत उम्मीद होती है, और जब बच्चा होता है ना, छोटा होता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ले लगता है कि मैं ये नहीं कर पाया, मेरा बच्चा ये करे, तो वो अपने सपने उस पे बच्चे पे या तो डालते हैं। अब धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा जो माँ या पिता सोच रहे हैं वो वैसा ही करे, वैसा ही कर पाए। हाँ, तो इस वजह से क्या होता है, कभी कभी पेरेंट्स जो है साइंस स्ट्रीम में बच्चे को डाल रहे हैं, बच्चे का इंटरेस्ट है कि वो जर्नलिज्म करे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जी, जो मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे बिजनेस करना था, लेकिन पापा कह रहे थे कि साइंस साइड ले, तो उस समय पर मुझे गाइडेंस नहीं मिल पाई थी, इसलिए मैंने कॉमर्स को ऊपर ले लिया था, पापा बाद में मान गए थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अभिभावकों को यही बताएं यही, कि बच्चों के ऊपर वो प्रेशर ना डालें। मोस्टली वो पेरेंट्स जो करते हैं वो यही करते हैं कि बच्चे को जो है अपने सपने अपनी इच्छाएं उन पे नहीं लादना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब हम मेंटर होते हैं तब देखते हैं कि बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसका परसेंटेज नहीं बढ़ रहा, उसका ग्रेड नहीं आ रहा, बाद में जब उसकी तह में जाती है तो पता चलता है कि भाई मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, मुझे तो मम्मी ने बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। तो ये चीज़ें जो पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर करते हैं वो नहीं होना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स कर सकते हैं ये कि बच्चे को बिठाएं, उससे बात करें कि अच्छा बेटा आपका इंटरेस्ट किधर है, पहले बच्चे की रुचि जाने, उसकी क्षमताओं को पहचाने, कैपेसिटी है कि नहीं है। आपने साइंस दे दिया, वो फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकता है कि नहीं। अगर पत्रकारिता ही है, उसे लेखन आता नहीं है, स्क्रिप्ट वो जानता नहीं है, न्यूज़ कैसे प्रेजेंट करते हैं वो जानता नहीं, और आप उसको एंकर बनाना चाहेंगे, नहीं हो सकता। तो ये एक है कि माता पिताओं से मेरा कहना है कि अभिभावक पेरेंट्स प्लीज़ ये ना करें, क्योंकि इससे बच्चे पे क्या होता है, अननेसेसरी प्रेशर होता है। तो वो एक दिन फिर वो देखना पड़ता है कि ना घर का ना घाट का ये हो जाता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर, आपके संदेश देना चाहेंगे अभिभावकों को? मैं पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसा मैम कह रही थी कि बच्चों पे प्रेशर ना डालें जी। जी, बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनकी रुचि के अनुसार उनको पढ़ने के लिए फ्री छोड़ दें, और बच्चे ऐसा नहीं है कि बच्चे गलत डिसीजन लेते हैं, बच्चे की रुचि है तो बच्चे को पढ़ लेना देना चाहिए, ठीक है। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि बच्चा जो है वो अपनी रुचि के अनुसार सही सब्जेक्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी बच्चा क्या होता है कि बच्चा भटक जाता है। अगर जो उसका फ्रेंड है कोई कोर्स कर रहा है तो वो क्या करता है कि माता पिता को गलत इंफॉर्मेशन दे के बता देता है कि नहीं, मुझे जो है इस कोर्स में रुचि है, और वो उसी में एडमिशन ले लेता है, और बाद में उसे ड्रॉप आउट करना पड़ता है, या फिर वो किसी तरीके से पास हो जाता है, डिग्री ले लेता है, लेकिन कैरियर में कुछ नहीं कर पाता है। तो मेरा ये कहना है कि बच्चे भी जब कोर्सेज का चयन करें तो कोर्सेज के चयन में संयम रखें और सोच समझकर निर्णय लें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फ्रेंड कर रहे हैं तो उन्हें भी कर लेना चाहिए कोर्स, सोच समझ के निर्णय लें, और ये ज़रूर अपने आप को एसेस कर लें कि क्या उनकी क्षमता है, और उस क्षमता के अनुसार ही कोर्सेज का चयन करें। अभी आपने सर एक बात जो कही थी कि निर्णय लें, क्योंकि बच्चे कभी ऐसा नहीं है कि निर्णय गलत ले सकते हैं, तो निर्णय के साथ में पेरेंट्स खड़े हों,
हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कभी ऐसा होता है कि बच्चे हैं, चयन कर सकते हैं, कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन उनके पेरेंट्स को नजर रखनी चाहिए कि वो निर्णय कहीं इधर उधर। तो वो आपकी बात बहुत ठीक थी कि बच्चे के साथ में उसके रिजल्ट, उसके डिसीजन के साथ में खड़े हों, ना कि उस पर डिसीजन थोपें। जी, तो इसी के साथ बहुत बहुत आभार करना चाहेंगे डॉक्टर संतोष कुमार गौतम जी का और मिस मनीषा उपाध्याय मैम जी का कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और बच्चों को उनकी ज़िंदगी में आगे उज्जवल भविष्य के लिए इतने अच्छे सुझाव दिए। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार, नमस्कार।